ओके, तो आज हम सीखेंगे आइटम, टैंक एंड नोजल क्रिएट करना। तो मास्टर्स क्रिएट करने से पहले आप एक बार अपना फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना। अगर यहाँ पे 23 24 है तो ओके, वरना अगर 22 23 है तो आपको यूटिलिटीज़ पे जाना है और फाइनेंशियल ईयर पे जाना है। एक्शन पे जाके पहले आप यहाँ पे चेक कर लेना। अगर यहाँ पे लिस्ट में अगर आपका 23 24 करंट फाइनेंशियल ईयर है तो ओके, वरना आप एक्शन पे जाना और क्रिएट पे क्लिक करना और न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर लेना। और जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना। तो उसके बाद आपको मास्टर्स पे जाना और आइटम पे जाना। आइटम पे जाके आपको एक्शन पे क्रिएट करना और आपको जैसे सबसे पहले आइटम का नेम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ पेट्रोल। तो आपको जो भी पेट्रोल का ग्रुप रहेगा वो ग्रुप सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी यूनिट रहेगी वो यूनिट सेलेक्ट करनी होगी। और सप्लायर को आप एक बार छोड़ देना। उसके बाद सब आपको परचेज रेट डालना है कि आपने कितने में परचेज़ किए। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस या अदर अकाउंटिंग्स को एकदम सही करना है तो आपको ये डालना रहेगा। उसके बाद आपको MRP डालनी रहेगी, कितने में आप सेल कर रहे हो, और MRP कंपलसरी है, ये आपको डालनी होगी। उसके बाद विद इफेक्ट टू डेट, अगर आप बैक डेट में काम करना चाहते हो तो आपको विद इफेक्ट टू डेट डालनी पीछे की करनी पड़ेगी, जिस भी तारीख से आप काम शुरू करना चाहते हो। उसके बाद आप कैप्टन टैंक पर क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जितनी भी आइटम रहेगी, जैसे डीजल हो गया या लुब्रिकेंट्स हो गए, तो वो सब यहीं से क्रिएट होगी। आपको एक्शन पे जाना है और क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के बाद आपको टैंक क्रिएट करना रहेंगे, तो आप मास्टर्स पे जाएंगे, टैंक पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो आप टैंक का नेम लिखेंगे, जैसे मान लो मैं टैंक का नेम लिखता हूँ MS टैंक, मैं टैंक नेम लिख दूँगा। और जो भी आइटम का ये टैंक रहेगा वो आइटम मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे MS टैंक है तो वो पेट्रोल से कनेक्टेड, तो मैं पेट्रोल सेलेक्ट करूँगा। और कैपेसिटी आपको छोड़ देना एक बार, और इसको सेव करोगे तो आपका एक टैंक भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी टैंक रहेंगे आपके पेट्रोल पंप पे, वो आपके सारे टैंक क्रिएट करने होंगे। उसके बाद आपको टैंक क्रिएट करने के बाद आपको नोजल पे जाना है और एक्शन पे जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको नोजल का नेम लिखना रहेगा, जो भी आपका सूटेबल नेम है वो आप लिख सकते हो। और मैं भी जैसे नेम लिख रहा हूँ MS1, तो मैं नोजल नेम में भी सेम लिख दूंगा MS1। और जिस भी दिन से मैं काम शुरू कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, उस डेट की ओपनिंग रीडिंग इस नोजल की कितनी है वो मुझे डालनी होगी। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रीडिंग डाल रहा हूँ, आपकी जो भी रीडिंग हो आप उसके अकॉर्डिंगली डाल लेना। और अब ये नोज़ल किस टैंक से कनेक्टेड है वो टैंक सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे MS की नोज़ल है तो मैं MS टैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। और कैश अकाउंट आपको सेलेक्ट करना रहेगा, कैश अकाउंट सेलेक्ट करके आप इसको सेव करोगे तो ये आपकी नोजल क्रिएट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर एंड क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट तो आपको नहीं डालनी, और मैन्युफैक्चरर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो ऐसे ही सेम आपके पास जितने भी नोजल है पंप पे, आपको सारी नोजल यहीं से क्रिएट करनी रहेगी। नोजल क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा आइटम पे जाना है, और ये जो भी आपने आइटम क्रिएट किए होंगे पेट्रोल डीजल, वो आपको सारे यहाँ शो हो जाएंगे। को अब एडिट करना रहेगा, तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या फिर इस ग्रिड में कहीं भी आप डबल क्लिक करोगे तो इसका एडिट फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट फ्यूल, डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक शो हो रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से। तो आपको इसके अंदर टैंक सेलेक्ट करना रहेगा। टैंक सेलेक्ट करने के लिए आपको इस रो के बीच में क्लिक करना होगा, तो ये ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा आपको। इस ड्रॉप डाउन में आप जाओगे और टैंक सेलेक्ट करोगे। अगर दो टैंक रहेंगे तो आप दोनों, एक ड्रॉप डाउन और आएगा, एक ग्रिड और आएगी, तो उसमें से आप दूसरा टैंक सेलेक्ट कर लेना। अब किस टैंक में कितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास है वो आपको डालना रहेगा। जितने भी क्वांटिटी में आपके पास रहेगा वो आप स्टॉक डाल देना। जैसे मैं डाल रहा हूँ 1000 लीटर्स मेरे पास पेट्रोल है। उसके बाद आप स्टॉक क्वांटिटी में वही सेम स्टॉक डालोगे। अगर आपके पास दो टैंक है तो डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक में आप दोनों टैंकों का अलग अलग स्टॉक डालोगे, और बाहर स्टॉक क्वांटिटी में टोटल स्टॉक डालोगे। और अगर सिर्फ एक ही टैंक है तो आपको दोनों टैंक का डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक के अंदर भी जितना स्टॉक डालना है वही सेम स्टॉक आपको स्टॉक क्वांटिटी में डालना रहेगा। तो आप स्टॉक क्वांटिटी में जो भी स्टॉक डालोगे तो आपके रेट, जो भी आपने परचेज रेट यहाँ लिखी होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आ जाएगी, और जो भी मल्टीप्लाई होगी आपके स्टॉक की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी शो हो जाएगी। उसके अलावा जैसे अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे वैट वगैरह या सेस वगैरह, अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल देना, आपको अगर प्रॉपर अकाउंटिंग मैनेज करनी है तो। और फिर आप सेव कर दोगे
आपका स्टॉक भी अपलोड हो जाएगा। तो आपके आइटम टैंक एंड नोजल क्रिएट करना और आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो मैंने आपको अपलोड करना इस वीडियो में बताया है।